सीखने के मकसद। इस अध्याय में उपयोगकर्ता निम्नलिखित को विस्तार से सीखेगा। स्प्रेडशीट की मूल बातें, सेल्स का हेरफेर, सेल्स के सूत्र, स्प्रेडशीट्स का मुद्रण, स्प्रेडशीट की मूल बातें, परिचय। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए डेटा विश्लेषण उपकरण है। स्प्रेडशीट उपकरण का उपयोग वांछित डिजायर परिणाम प्राप्त करने के लिए, उनके अध्ययन और हेरफेर के लिए, डेटा को संरचित स्ट्रक्चर करने और पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से योजनाओं, बजट और अन्य विश्लेषण विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह कॉलम और इसके वर्कशीट की पंक्तियों में डेटा मूल्यों और रिश्तों को स्वीकार करता है और फिर उपयोगकर्ताओं को विश्लेषण प्रश्न के उत्तर देने के लिए इस डेटा पर गणना और अन्य कार्यों को करने की अनुमति देता है। इस अध्याय में उपयोगकर्ता निम्नलिखित को विस्तार से सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के तत्व, कार्य पुस्तिकाओं, वर्कबुक्स को खोलने, पता करने, सहेजना और मुद्रित करने का तरीका। इस अध्याय में विभिन्न सूत्रों और कार्यों को भी शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के तत्व। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए, जिसमें एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल किया जा सकता है, वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्वचालित कर रहे हैं। डेटा संग्रहित डेटाबेस स्वरूपों में डेटा के भंडारण को एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेल एक शक्तिशाली और लचीली ग्राफिकल प्रस्तुति उपकरण के रूप में आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 प्रारंभ करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को प्रारंभ करने के लिए टास्क बार पर प्रारंभ बटन पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें। यदि ऑल प्रोग्राम मेनू में आवश्यक हो तो नीचे स्क्रॉल करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार और बैकस्टेज दृश्य शामिल है। रिबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूलबार के लिए प्रोफेशनल शब्द है। सामान्य कार्यों को करने के लिए रिबन में आपके सभी आवश्यक आदेश शामिल है। इसमें कई टैब हैं, प्रत्येक में कई समूहों के कमांड हैं और आप ऐसे अपने खुद के टैब जोड़ सकते हैं जिसमें आपके पसंदीदा आदेश शामिल है। कुछ समूहों के नीचे दाएं कोने में एक एरो तीर है, जिसे आप और भी अधिक आदेश देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। वो हैं फाइल टैब, होम टैब, रखना टैब, इंसर्ट टैब, पृष्ठ लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलास टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, क्विक एक्सेस टूलबार। रिबन के ऊपर स्थित क्विक एक्सेस टूलबार आपको कॉमन कमांड्स तक एक्सेस करने देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैब पर हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह सेव, सहेजे, अंडू, पूर्ववत करें और रिपीट, दोहराए कमांड्स दिखाता है। आप अपने लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य कमांड जोड़ सकते हैं। बैकस्टेज दृश्य, बैकस्टेज व्यू। कार्यालय बैकस्टेज व्यू है, जहां आप अपनी फाइलों और उनके बारे में डेटा मैनेज करते हैं। क्रिएटिंग बनाना, सेविंग सहेजा जा रहा है, मुद्रण शेयरिंग फाइल्स फाइल साझा करना, छुपा मेटा डेटा या व्यक्तिगत जानकारी के लिए निरीक्षण इंस्पेक्शन करना और विकल्प सेट करना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के तत्व। स्प्रेडशीट का उद्घाटन। एक नई खाली वर्कबुक बनाने के लिए आइए देखें कि एक नया खाली वर्कबुक कैसे बनाएं। फाइल टैब पर क्लिक करें या आपको बैकस्टेज दृश्य पर ले जाता है। नया चयन करें,
उपलब्ध टेम्पलेट्स के तहत खाली वर्कबुक चुनें, इसे डिफॉल्ट रूप से हाईलाइट किया जाएगा। क्रिएट पर क्लिक करें। एक्सेल विंडो में एक नई खाली वर्कबुक दिखाई देती है। जब एक्सेल खोला जाता है, यह एक खाली वर्कबुक खोलता है। एक एक्सेल वर्कशीट फाइल को एक वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक एक्सेल वर्कशीट फाइल है जिसमें संबंधित डेटा और किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट की जानकारी संग्रहित है। एक कार्य पुस्तिका में कई वर्कशीट्स या कई परतें शामिल हैं जो डेटा को सूचीबद्ध करने और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो देखते हैं कि मौजूदा वर्कबुक कैसे खोले। मौजूदा वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें। यह आपको बैकस्टेज दृश्य पर ले जाता है। ओपन का चयन करें। ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है। अपनी इच्छित वर्कबुक चुनें, फिर ओपन क्लिक करें। अगर आपने हाल ही में मौजूदा वर्कबुक खोला है तो अपनी वर्कबुक को खोजने के लिए ओपन के बजाय फाइल टैब से रीसेंट चयन करना आसान हो सकता है। एक नई वर्कबुक सेव करें। भविष्य के उपयोग के लिए वर्कबुक को संरक्षित करने के लिए आपको इसे डिस्क पर सेव करने होगा। कोई फाइल सेव करने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित विधि का उपयोग कर सकता है। फाइल टैब पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करें। उस स्थान का चयन करें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। वर्कबुक के लिए एक नाम टाइप करें और फिर सेव पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव पर क्लिक करें या कंट्रोल प्लस एस दबाएं इस रूप में सेव डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। हम एक मौजूदा वर्कबुक को एक नई वर्कबुक के रूप में कैसे सेव करें। ओरिजिनल वर्कबुक को ओवरराइटिंग करने से रोकने के लिए जब आप मूल वर्कबुक खोलते हैं तो एक नई फाइल बनाने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग करें। उस वर्कबुक को खोलें जिसे आप एक नई फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें। सेव एज पर क्लिक करें। उस स्थान का चयन करें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। वर्कबुक के लिए एक नाम टाइप करें और फिर सेव पर क्लिक करें। सेल्स को संबोधित करना। वर्कशीट में एक सेल पता जैसे एक्सेल वर्कशीट में सेल के स्थान की पहचान करता है। एक सेल एड्रेस कॉलम लेटर और सेल की रो संख्या है जैसे कि C4 या D8। कृपया ध्यान दें, अपने एड्रेस के द्वारा एक सेल की पहचान करते समय कॉलम लेटर हमेशा पहले सूचीबद्ध होता है, उसके बाद रो संख्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन एड्रेस के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सेल एड्रेस मुख्यतः एक फॉर्मूले में उपयोग किया जाता है। आप 3 अलग अलग तरीकों से सेल एड्रेसिंग कर सकते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। सेल्स का हेरफेर। सक्रिय सेल का प्रतिनिधित्व उस सेल पर आयताकार सीमा द्वारा किया जाता है। डेटा एंट्री को एक्टिव सेल में डेटा फीड कर पूरा किया जाता है। A1 हमेशा एक नया वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से एक्टिव सेल होता है, लेकिन अगर आप डेटा एंट्री के लिए किसी दूसरे सेल पर जाना चाहते हैं, तो आप उस सेल को माउस पॉइंटर पर ले जाकर उस पर क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि आप टाइप करते हैं, डेटा एक्टिव सेल में और साथ ही फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। फॉर्मूला बार और नाम बॉक्स के बीच मौजूद 3 बक्से हैं। एक क्रॉस एक्स प्रतीक वाला पहला बॉक्स सेल में आपकी एंट्री को कैंसिल कर देता है। सही निशान के साथ दूसरा बॉक्स सेल में डेटा की स्वीकृति देता है। तीसरे बॉक्स में इक्वल चिन्ह के बराबर है। यह एडिट फॉर्मूला सुविधा है जो कैलकुलेशन कार्यों को सरल करता है। टेक्स्ट संख्याएं और तिथियां दर्ज करना। टेक्स्ट दर्ज करना, एंट्रिंग टेक्स्ट। उस सेल का चयन करें जहां टेक्स्ट को दर्ज किया जाना है। अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट दर्ज करें। जानकारी को स्वीकार करने के लिए एंटर या एरो की दबाएं। किसी सेल में किसी विशिष्ट बिंदु पर टेक्स्ट को रैप के लिए फोर्स करें। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएं।
नंबर्स में अक्षरों के वर्णों के साथ मौजूद होने के बावजूद एक्सेल टेक्स्ट और नंबर्स या केवल टेक्स्ट का उपयोग फॉर्मूलों में नहीं किया जा सकता। संख्या दर्ज करना, कैलकुलेशन और फंक्शन के लिए संख्यात्मक न्यूमेरिक सेल्स का उपयोग किया जा सकता है। एक न्यूमेरिक सेल में संख्याएं प्लस ऋण मुद्रा प्रतीक RSI RS1 हो सकते हैं। उस सेल का चयन करें जहां नंबरों को दर्ज किया जाना है। न्यूमेरिक जानकारी टाइप करें जो सेल में होनी चाहिए। संकेतक, एक फ्रैक्शन दर्ज करने के लिए टाइप करें 0 और फ्रैक्शन को दर्ज करने से पहले स्पेस दबाएं, अन्यथा एक्सेल एक तिथि के रूप में फ्रैक्शन का व्याख्या करेगा। जानकारी को स्वीकार करने के लिए एंड या एरो की दबाएं। टेक्स्ट के रूप में संख्या दर्ज करना, टेक्स्ट फॉर्मेटेड सेल्स को सेल के रूप में माना जाता है, भले ही कोई संख्या सेल में हो। टेक्स्ट के रूप में संख्या दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। होम टैब से सेल कैटेगरी में फॉर्मेट का चयन करें। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अब प्रदर्शित किया जाता है। संख्या टैब का चयन करें। कैटेगरी की स्क्रॉल सूची से टेक्स्ट चुनें, ओके पर क्लिक करें। इच्छित संख्याएं और या अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट दर्ज करें जो सेल में होना चाहिए। दिनांक या समय मैनुअल रूप से प्रवेश करना, सेल का चयन करें जहां उपयोगकर्ता तिथि या समय दर्ज करना चाहता है। एक तिथि दर्ज करने के लिए निम्न फॉर्मेट्स में से किसी एक में दिनांक लिखें। 7/23/2009, 7/23/2009 या July 23, 2009। एक समय दर्ज करने के लिए समय टाइप करें। कृपया ध्यान दें, AM या PM को सूचित इंडिकेट करने के लिए एक स्थान छोड़ें और क्रमशः Shift प्लस A या P दबाएं। जानकारी स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। वर्तमान दिनांक या समय को स्वचालित रूप से दर्ज करना, आज की तारीख दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाएं। वर्तमान समय दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाएं। जानकारी स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। वर्कशीट डेटा की संपादित एडिटिंग करना, वर्कशीट संपादित एडिट करने के दो तरीके हैं। डेटा को स्वयं एडिट करें, जैसे लेबल्स संख्याएं और फॉर्मूलों जो वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट के फिजिकल लेआउट को एडिट करना, जैसे कि रो और कॉलम को जोड़ने या घटाने, रो और कॉलम की चौड़ाई या ऊंचाई को चौड़ा करना या श्रिंक करना। किसी सेल में डेटा को एडिट करना, एक सिंगल सेल में डेटा को संपादित एडिट करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। उस सेल को डबल क्लिक करें जिसमें वह डेटा शामिल होता है जिसे आप संपादित एडिट करना चाहते हैं। एक्सेल आपके चयनित सेल में एक कर्सर प्रदर्शित करता है। बैकस्पेस या हटाना की का उपयोग करके या नया डेटा टाइप करके अपने डेटा को एडिट करें। यदि आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल फॉर्मूला बार में उस सेल की कंटेंट प्रदर्शित करता है। आप फॉर्मूला बार में सीधे डेटा क्लिक और एडिट कर सकते हैं, जो बड़ी मात्रा में डेटा को एडिट करने के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकता है। कट कॉपी और पेस्ट करें। आप दो तरीकों से सेल्स की कॉपी और मूव कर सकते हैं। कट कॉपी और पेस्ट का उपयोग करके माउस से खींचकर कॉपी और पेस्ट। जब कोई उपयोगकर्ता एक सेल को कॉपी करता है तो वह सेल की सामग्री का दोहरायन कर रहा है जब वह उन्हें नए स्थान पर पेस्ट है। सेल्स का चयन करें जो प्रतिलिपि कॉपी बनाना चाहता है और होम टैब से कॉपी बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट की का उपयोग करें कंट्रोल प्लस सी। नकल के लिए चिन्हित सेल्स को एनिमेटेड सीमा के साथ चिन्हित किया गया है। सेल स्थान चुनें जहां कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट किया जाना है। होम टैब से पेस्ट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट कीज का उपयोग करें कंट्रोल प्लस वी। सेल्स को डेस्टिनेशन सेल या सेल्स में कॉपी किया जाता है।
कट और पेस्ट। मूव किए जाने वाली सेल्स का चयन करें और होम टैब से कट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट की का उपयोग करें कंट्रोल प्लस एक्स। काटने के लिए चिन्हित सेल्स को एक एनिमेटेड सीमा के साथ चिन्हित किया गया है। सेल स्थान चुनें जहां एक मौजूदा डेटा को मूव करना चाहता है। होम टैब से पेस्ट बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट कीज का उपयोग करें कंट्रोल प्लस वी। सेल्स को डेस्टिनेशन सेल या सेल्स में ले जाया जाता है। ड्रैगिंग द्वारा कॉपी और मूविंग सेल। खींचे, ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए सेल्स। उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप मूव करना चाहते हैं। अपने माउस को चयनित सेल्स के बाहर के किनारों पर रखें। माउस फोर एरो तीर कर्सर के साथ एक सफेद क्रॉस कर्सर से एक काला क्रॉस करने के लिए बदल जाता है। सेल्स को खींचने और छोड़ने के लिए माउस का निर्धारण करना। सेल्स को नए स्थान पर क्लिक करके खींचे। अपने माउस को रिलीज करें और सेल्स को वहां से हटा दिया जाएगा। फिल सेल से फिल हैंडल का उपयोग करने के लिए उस सेल या सेल्स का चयन करें जिसमें आप उपयोग करना चाहते हैं। अपने माउस को फिल के ऊपर संभाल कर रखें ताकि सफेद क्रॉस कर्सर काला क्रॉस कर्सर बन जाए। फिल हैंडल का उपयोग करने के लिए माउस की स्थिति जानना। फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें जब तक कि जिन सेल्स को आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड न हो जाए। माउस रिलीज करें और आपके सेल्स भर जाएंगे। रो कॉलम को रखना और हटाना करना। रो कॉलम को रखना करना। डेटा डाले जाने के बाद अतिरिक्त डेटा दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता को अतिरिक्त रो या कॉलम को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता हो सकती है। एक रो या कॉलम जोड़ने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। होम टैब पर क्लिक करें। रो या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें जहां कोई अन्य रो या कॉलम जोड़ना चाहता है। सेल से रखना करें कैटेगरी पर क्लिक करें। शीट रो रखना करें या शीट कॉलम रखना करें विकल्प चुनें। एक रो डालने से चयनित रो के ऊपर एक नई रो जोड़ती है। कोई कॉलम डालने से चयनित कॉलम के बाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ता है। रो और कॉलम हटाना। एक रो या कॉलम को हटाना करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। होम टैब पर क्लिक करें। हटाए जाने वाली रो या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें। सेल्स कैटेगरी से हटाना विकल्प पर क्लिक करें। हटाना शीट रो या हटाना शीट कॉलम चुनें। रो या कॉलम को हटाना करना उस रो या कॉलम में संग्रहित किसी भी डेटा को हटा देता है। सेल की ऊंचाई और चौड़ाई बदलना। आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा को कॉलम की चौड़ाई में समायोजित करने के लिए कभी कभी बहुत लंबा होता है। आप संपूर्ण सेल एंट्री प्रदर्शित करने के लिए कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बदलना। एक यूजर वर्कशीट में किसी भी कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को पठनीयता को सुधारने के लिए और आवश्यक समझा सकता है। मैनुअल रूप से कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की दाहिनी सीमा पर रखें जब तक कि वह दो तरफ वाले तीर में बदल ना जाए। वांछित कॉलम चौड़ाई हासिल होने तक बाएं या दाएं खींचे। किसी विशिष्ट सेटिंग के लिए कॉलम चौड़ाई सेट करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर कॉलम चौड़ाई चुनें। कॉलम चौड़ाई डायलॉग बॉक्स में आवश्यक सटीक चौड़ाई लिखें। ओके पर क्लिक करें। दर्ज किए गए डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से कॉलम चौड़ाई बदलने के लिए ऑटोफिट का उपयोग करें। कॉलम शीर्षक के दाएं ओर की सीमा को डबल क्लिक करें या फॉर्मेट पर क्लिक करें। मुख्य पृष्ठ टैब पर ऑटो फिट कॉलम चौड़ाई चुनें। रो ऊंचाई में बदलाव। रो ऊंचाई मैनुअल रूप से बदलने के लिए रो हेडिंग की निचली सीमा पर माउस पॉइंटर को तब तक रखें जब तक कि वह दो तरफ वाले तीर में बदल ना जाए। वांछित कॉलम चौड़ाई को ऊपर या नीचे खींचे।
किसी विशिष्ट सेटिंग के लिए एक पंक्ति की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर पंक्ति ऊंचाई का चयन करें। पंक्ति ऊंचाई डायलॉग बॉक्स में आवश्यक सटीक ऊंचाई टाइप करें। ओके पर क्लिक करें। स्वतः एक पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए ताकि वह पंक्ति में सबसे ऊंची एंट्री को फिट हो, ऑटो फिट का उपयोग करें। रो हेडिंग के नीचे सीमा पर डबल क्लिक करें या फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब पर ऑटो फिट रो ऊंचाई का चयन करें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला किसी विशेष क्रम में संख्याओं या मूल्यों की एक सूची की गणना करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सूत्र हमेशा एक समान चिन्ह इक्वल के साथ शुरू होता है। समान चिन्ह एक्सेल को बताता है कि निम्नलिखित संख्याएं या सेल्स एक सूत्र बनाते हैं। 7 बुनियादी गणितीय ऑपरेटर हैं जो गणना के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ऑपरेटर स्टार, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, जोड़, एडिशन, माइनस, घटाव, सब्ट्रैक्शन, बाय, प्रभाग, डिविशन, स्लैश, पूर्णांक, इंटीजर, एक्सपोनेंटिएशन, घातांक, एक्सपोनेंटिएशन, मोड, मॉड्यूलस। फॉर्मूलास का उपयोग करना। उपयोगकर्ता उस सेल को क्लिक करता है जिसे वह फॉर्मूला में प्रवेश करना चाहता है। प्रकार इक्वल एक बराबर चिन्ह। फंक्शन बटन पर क्लिक करता है। आप जो फॉर्मूला चाहते हैं उसका चयन करें और ऑन स्क्रीन निर्देशों के माध्यम से कदम उठाएं। एक उदाहरण के साथ बेसिक फॉर्मूला एडिशन सेल A1 से A10 इक्वल सम A1 इज टू A10। औसत एवरेज सेल A1 से A10 इक्वल औसत एवरेज A1 इज टू A10। अधिकतम मैक्सिमम सेल A1 से A10 इक्वल अधिकतम A1 इज टू A10। न्यूनतम मिनिमम सेल A1 से A10 इक्वल न्यूनतम A1 इज टू A10। फंक्शन बुनियादी फंक्शंस का उपयोग करना। प्रोसेसिंग डेटा के लिए वर्कशीट्स में आमतौर पर बड़ी संख्या में इंटीग्रेटेड फंक्शन होते हैं। फॉर्मूला में प्रवेश करने के लिए जो फंक्शन शामिल है स्टेप्स का पालन करें। उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप फॉर्मूला में प्रवेश करना चाहते हैं। फंक्शन की सहायता से फॉर्मूला टाइप करने के लिए एडिटिंग समूह में होम टैब पर ऑटो सम बटन पर क्लिक करें। उपलब्ध फंक्शंस की एक ड्रॉप डाउन सूची का आह्वान करने के लिए कार्य बॉक्स के बगल में नीचे तीर पर क्लिक करें जिसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स और इसी तरह शामिल है। उस फंक्शन पर क्लिक करें जिसे आप फॉर्मूला में जोड़ना चाहते हैं। यदि फंक्शन लिस्ट में नहीं होता है तो अधिक फंक्शन पर क्लिक करें। फंक्शन के लिए तर्क दर्ज करें। जब आप फॉर्मूला पूरा करते हैं तो एंटर की दबाएं। चूजिंग फंक्शन का चयन करने का दूसरा सुविधाजनक तरीका फॉर्मूला टैब पर प्रदर्शित होने वाले सम्मिलन फंक्शन का उपयोग करके है। कार्य फंक्शन। फंक्शन छोटे प्रोग्राम है जो कुछ गणना, कैलकुलेशन, तुलना, कंपैरिजन या मूल्यांकन के आधार पर मूल्य लौटाते हैं। सभी फंक्शन के नामों को एक जोड़ी के द्वारा किया जाता है जो फंक्शन द्वारा आवश्यक तर्क या तर्कों को शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक आर्गुमेंट को अलग करने के लिए एक कॉमा का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में लगभग 250 रेडीमेड फंक्शन है। कार्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। अंकगणित कार्य अर्थमैटिक फंक्शन जो संख्यात्मक डेटा को प्रोसेस करने के लिए बुनियादी उपकरण प्रदान करते हैं। सांख्यिकी कार्य स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो विश्लेषण टूल है औसत औजार। दिनांक कार्य प्रक्रियाओं और तारीखें परिवर्तित करें। लॉजिक फंक्शन जो लॉजिक डेटा एंड और आदि की प्रक्रिया करते हैं। वित्तीय कार्य जो मौद्रिक मॉनिटरी डेटा की प्रक्रिया करते हैं। वर्कशीट की मुद्रण। आपके काम को मुद्रण करने के कई तरीके हैं। क्विक एक्सेस टूलबार पर मुद्रण बटन पर क्लिक करें। मुद्रण प्रीव्यू विंडो में मुद्रण बटन चुनें।
फाइल टैब में मुद्रण बटन को चुनें। कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करके वर्कबुक को मुद्रण करें। एक टिपिकल एक्सेल वर्कबुक में कई शीट्स हो सकते हैं, प्रत्येक शीट्स में बहुत अधिक डेटा हो सकता है, तो उपरोक्त तीन तरीकों में से कोई भी उपयोग करने से पहले आपको वर्कशीट का एक क्षेत्र चुनना होगा जिसे आप मुद्रण करना चाहते हैं। मुद्रण पेज बनाने के लिए मुद्रण विंडो के साथ मुद्रण प्रीव्यू जो कि पीछे के दृश्य में स्थित है। एक वर्कबुक की मुद्रण फाइल टैब पर क्लिक करें या आपको बैकस्टेज व्यू पर ले जाता है। मुद्रण चुनें, दाएं पर बाएं और मुद्रण प्रीव्यू की मुद्रण सेटिंग्स के साथ मुद्रण पाने दिखाई देता है। मुद्रण बटन पर क्लिक करें। क्विक मुद्रण एक एक्सेल 2010 वर्कशीट की मुद्रण करना एक बहुत आसान काम है। क्विक मुद्रण विकल्प का उपयोग संपूर्ण वर्कशीट की एक कॉपी को मुद्रण करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता वर्तमान वर्कशीट में सभी सेल्स की एक कॉपी की मुद्रण करने के लिए डिफॉल्ट मुद्रण सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। बस क्विक मुद्रण टूल को क्विक एक्सेस टूलबार में जोड़ें, कस्टमाइज करें क्विक एक्सेस टूलबार बटन पर क्लिक करके और उसके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्विक मुद्रण पर क्लिक करके। जब कोई उपयोगकर्ता क्विक मुद्रण बटन पर क्लिक करता है तो एक्सेल मुद्रण को विंडोज मुद्रण लाइन में भेजता है जो मुद्रणर को काम भेजता है। जब एक्सेल मुद्रण लाइन में मुद्रण जॉब भेजता है तो एक्सेल इसकी प्रगति को सूचित करने के लिए एक मुद्रण डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। तीन की मुद्रण पेज दो के रूप में इस तरह के अपडेट को प्रदर्शित करना। मुद्रणर पर संपूर्ण मुद्रण जॉब भेजी जाने के बाद एक्सेल डायलॉग बॉक्स गायब हो जाता है। जब आप मुद्रण करते हैं तो मुद्रण मेनू में निम्न विकल्प दिखाई देते हैं। अगला या पिछला, अगले या पिछले पृष्ठ देखें। पृष्ठ पर जूम करें, पृष्ठ के दृश्य को बढ़ाएं या कम करें। मुद्रण, अब पृष्ठों को मुद्रण करें। सेटअप, पृष्ठ सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करें। मार्जिन दिखाएं, मार्जिन और कॉलम चौड़ाई हैंडल प्रदर्शित करें या छुपाएं। मुद्रण प्रीव्यू, अपनी शीट को प्रीव्यू करके मुद्रण पेज टूल बटन पर क्लिक करके आप प्रत्येक पेज को ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे वह मुद्रण करेंगे, सही मार्जिन और पेज ब्रेक्स और हेडर और फुटर्स के साथ। पृष्ठ मार्जिन, हेडर और पाद लेख मार्जिन और कॉलम चौड़ाई एडजस्ट करने के लिए हैंडल खींचे। पृष्ठ के एक हिस्से को मैग्नीफाई करने के लिए क्लिक करें। पूरे पेज को प्रदर्शित करने के लिए फिर से क्लिक करें। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने स्प्रेडशीट का उपयोग करने के निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया है। स्प्रेडशीट की मूल बातें, सेल्स का हेरफेर, फार्मूलास और फंक्शन, स्प्रेडशीट्स का मुद्रण,